सूरत में दो नंबर प्लेटफॉर्म पे गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22954 यहाँ पे आके रुकती है भाई। का बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल महत्व रहा है, जो आपका सूरत है इंदौर के साथ में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के तौर पे इसको भाई तमगा मिला है। सूरत को टाटा बाय बाय। वादे के मुताबिक अभी सूरत क्रॉस कर गया है, तो ज़रा मैं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद में हाफ जर्नी हमारी हो गई कंप्लीट, हाफ जर्नी अभी बाकी है। एक चीज़ तो है कि स्पेस काफ़ी कम मिलता है इसमें, क्योंकि अगेन आप कहीं पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो, ये हमारा प्यारा सा भाई घर का राइस फ्राई है, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी ने हमें दिया है। और बाहर का मोस्टली अवॉइड करते हैं यार, अगर कोई पर्पज़ नहीं है, कहीं पर जाना नहीं है और उसमें मतलब मेरा कुछ फुलफिल मोटिव नहीं होता होगा, तो वहाँ पे फिर अवॉइड ही करता हूँ खाना, ठीक है। अभी मैंने जस्ट अपना जो नाश्ता घर से मैं लेके आया था उसे ख़त्म किया हूँ, और ख़त्म करने के साथ में एक छोटा नन्ना मेहमान हमें मिला है, और वो मस्ती कर रहा है, मेरी आँख से मैंने चश्मा खींच लिया। इससे ज़रा पूछते हैं इसका नाम क्या है। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? हमारा नाम सूच है, मेरे को इतना ही आता है। आपका नाम क्या है बताओ, हमारी यूट्यूब फैमिली को बताओ। कभी तुम्हें बड़ा हो जाएगा तो देखिएगा ना, माइक है। नाम बताओ कृषि। भाई यही है मतलब सफर में हमें एक नन्ना मेहमान मिला, काफी मस्ती खोर है, और ठीक है ये सब देखने के बाद ना आप कितने भी टेंशन में रहोगे, बच्चों को देखोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, अभी थोड़े बड़े होंगे ना, ये कुछ भी सवाल करते हैं, मतलब ये कुछ भी सवाल करते रहेंगे आपसे, करते रहेंगे, ठीक है। सबको हाय कर दो, हाय हाय। 11:25 अभी हम लोग नवसारी पहुंचे भाई, सूरत के बाद में अपना नवसारी आता है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपको ये गाड़ी नवसारी में छोड़ेगी। और धीरे धीरे भाई मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करूं। पहले जब मैं सूरत में रहा करता था, मतलब सूरत में रहा नहीं करता, जब मैं सूरत घूमने आया करता था मेरी दीदी के यहाँ पे, तो नवसारी जब आता था ना तो एक अलग से मतलब एक्साइटमेंट आ जाता कि भाई सूरत आ गया है और अब यहाँ पे उधर जाना है, ठीक है। तो नवसारी ठीक है, छोटा सा स्टेशन है यहाँ पे, आप देख लो, बाकी लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चढ़ते भी हैं। नवसारी का भी स्टेशन कोड है NVS, ए भी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, डिवीजन भी इसका वडोदरा है, और यहाँ पे आने की जो टाइमिंग है 11:19 पे यहाँ पे इसका आने का टाइम है गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 22954, और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में भाई 11:21 पे हम लोग नवसारी को मतलब हमारी जो ट्रेन है यूजुअली अगर टाइम पे रहती तो चले जाती है, और आज 2-4 मिनट लेट है, और मेरे हिसाब से वो आगे कवर कर लेगी। बाकी आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिसपे अपने गुजरात सुपरफास्ट आए थे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। और वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि मुझे वेस्टर्न लाइन के जो भी है, या मैं जब गुजरात में जब ट्रेवल करता हूँ, तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे लगते, बहुत शांत लगते, साफ सुथरे रहते भाई, और भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नहीं रहती। मतलब आप सोचो कि आप आराम से यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म टिकट कटाओ, दिन भर बैठो आराम से, ठीक है। ये आपका है नवसारी। बाकी प्लेटफॉर्म टिकट से मुझे याद आया, उसका कुछ वैलिडिटी होता है क्या, ये मुझे आइडिया नहीं है, अगर किसको पता होगा तो भाई कमेंट कर देना, मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको कि प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी कितनी रहती है, मतलब कितने घंटे तक आप प्लेटफॉर्म टिकट के साथ में प्लेटफॉर्म पे आप रुके रह सकते हो। आपने देखा कि नहीं, काफ़ी लेट हो गया वीडियो स्टार्ट करने में, बट अगेन भाई बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं पास्ट में, आपने कभी भी मतलब पटरियाँ क्रॉस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हो, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तो थोड़ी सी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने में 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कंजूसी क्यों करना भाई। इस तरीके का मतलब आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रेल की पटरियाँ क्रॉस करो और एक जगह से दूसरी जगह जाओ, सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जा सकते हो, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ सकते। 11:42 और नवसारी के बाद में जो हमारा अगला स्टॉप आया है वह आपका है बिलीमोरा। बिलीमोरा में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गुजरात सुपरफास्ट
जो एक्सप्रेस है यहाँ पे रुकती है। और बिलीमोरा के बारे में कुछ ज़्यादा मेरे पास नहीं कहने के लिए, क्योंकि नवसारी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी में से एक छोटा सा, मतलब आप कह सकते हो कि रीज़न है बिलीमोरा का। भाई स्टेशन कोड है BIM, ये आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, वेस्टर्न रेलवे के रीजन में आता है। इसका जो डिवीज़न है अगेन मुंबई, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि वडोदरा रहेगा, बट बिलीमोरा का जो आपका डिवीज़न है वो आपका मुंबई सेंट्रल डिवीज़न है। ले लो भाई, ले लो भाई। एक काम की बात, इस ट्रेन में किसी भी तरीके की पेंट्री नहीं है, किसी भी तरीके की साइड पेंट्री नहीं है। आपको यहाँ पे ऑन बोर्ड पेंट्री मिल जाएगी, जिसमें लोगा जो भी सर्व करते हैं वेंडर्स यहाँ पे, तो ऑन बोर्ड आपको जो समोसा पाव वड़ा पाव टाइम टू टाइम चीज़ें आपको सर्व करेंगे। चाय लेके मेरे सामने भाई साहब खड़े हुए हैं, पानी वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ई कैटरिंग की भी सुविधा अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आप, आपका एक रिजर्व टिकट है तो आप उस टिकट से, उस PNR से, IRCTC के वेबसाइट से आप जो ई कैटरिंग होता है वहाँ पे आप अपना फूड या कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए हर स्टेशन में नहीं भाई, जैसे वडोदरा हो गया, वलसाड़ हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया, जो मेन मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आप ई कैटरिंग की सुविधा मतलब अवेलेबल करवा सकते हो। अदरवाइज रूट 7 से 8 घंटे का ही है, तो इतना कुछ आपको वरी नहीं करना पड़ेगा। जो स्नैक्स वगैरह आता है वो मोर देन इनफ रहता है आपके मतलब पूरे मतलब इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं भाई इसी ऑन बोर्ड कैटरिंग की बात कर रहा था। खमन कैसे? अरे वीडियो क्यों बना रहा है यार? खमन कैसे हो बताओ, तुमसे पूछा खमन कैसे है? अरे पूछ रहा हूँ कैसे है, ऐसे नहीं बताओगे? बंद करो वीडियो। नहीं ऐसे नहीं बताओगे? क्यों बंद क्यों करूँ? बंद करने की एक वजह बता दो मेरे को, बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा है ना, ये लोग अभी कैसा होता ना, जो गलत काम करेंगे भाई ना, उनको इस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा। आपको मैंने पूछा कितने का, आप बता दो, आप रेलवे की प्रॉपर्टी में हो, आपको वेंडर मिला रहेगा यहाँ पे आपको बेचने के लिए, आप दाम बताने से पीछे क्यों हटने का? आप मेरे को खाना नहीं था और मैं बाहर का मोस्टली अवॉइड ही करता हूँ, बट आप भी देख लो कि किस तरीके से चीज़ें चलती भाई सफ़र में, आप अपनी चीज़ें खुद लेके आओ, क्योंकि बताने में कुछ सारी लॉजिक है नहीं। मैंने पूछा कितने का बता दो, कैमरे से क्यों डरने का, मैं तो थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। वलसाड़ रेलवे स्टेशन, 11:58 पे हम लोग वलसाड़ रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं। हमारी गुजरात सुपर फास्ट एक्सप्रेस वलसाड़ रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। और भाई और वलसाड़ में भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपकी गुजरात सुपर फास्ट एक्सप्रेस आएगी। वलसाड़ में भाई ट्रेन के आने का समय 12:00 का है, 5 मिनट का हॉल्ट है और 12:05 पर ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है। वलसाड़ का स्टेशन कोड है BL, ये भी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। और मैं बात डिवीज़न की करूँ तो इसका जो डिवीज़न है वो मुंबई है। तो हजरत निजामुद्दीन दुरंतो जा रही भाई, इसका जो अराइवल था वो नेक्स्ट रेलवे का था। अभी ये है ना कि जब तक अपन स्टार्ट करते हैं अपना हथियार लेके भाई रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेनें निकल जाती हैं। हेलो वड़ा पाव गरम गरम। हेलो वड़ा पाव गरम आ गया, गरम गरम है। हेलो वड़ा पाव गरम गरम। अभी कुछ समझा आपको? क्या है ना, ये बाहर के वेंडर लोकल है, इनको परमिशन नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज़ बेचने का। जो ऑथराइज्ड है रेलवे के थ्रू, उन्हीं को टेंडर मिला हुआ है, वही यहाँ पे कुछ भी बेच सकते हैं, जिसे हम लोग ऑन बोर्ड कैटरिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से कोई भी बेचता है, वो बंदा आया था पकड़ने के लिए। लेकिन अगेन सेटिंग इतनी मजबूत रहती है ना भाई कि सबको अपना हिस्सा मिल जाता है और फिर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तो आया था बस खाली हाँ हेलो करके चला गया। तो मैं यहाँ पे किसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम है मैं आपको बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार किस तरीके से मतलब
आप कितने भी छाती ठोक के कह लो कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, आप 10 साल से चिल्ला लो, आप एक कह लो कि भारत में भ्रष्टाचार कम हो गया, मैं उसको नहीं मानता। और जो यकीनन उनका जो बाहर निकलता है, और हर एक शख्स अगर अपने दिल से पूछे भाई, तो भ्रष्टाचार मुक्त न कभी हुआ था, न कभी है, न कभी होगा। ये चीज़ें इस तरीके से चलती रहे। वलसाड़ को गुजरात का मैंगो कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंगो की अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं। यहाँ पे आपको अल्फांसो मिलेगा, यहाँ पे आपको हापुस मिलेगा, बज के 26 मिनट, और हमारी ट्रेन ने अपना 17वां हॉल्ट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद में अभी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पे लिया है भाई। और ये 5 मिनट का हॉल्ट है, देखने से ऐसा लग नहीं रहा है कि बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। 12:21 पे यहाँ पे ट्रेन आती है, गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12:26 पे यहाँ से निकल जाती है। और इसका स्टेशन कोड है भाई UVD, ये भी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है, जिसका डिवीजन है मुंबई। उदवाड़ा में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपकी ट्रेन आएगी, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो आप, ओनली फॉर लेडीज, मेरे हिसाब से लोकल ट्रेन है यहाँ की। और ये आपका उदवाड़ा रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी सुविधा है, आप देख लो। हमारी ट्रेन का, गुजरात सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का 18वां हॉल्ट अभी आया है आपका वापी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे इसका आने का टाइम है 12:38, और यहाँ से निकलने का टाइम 12:40। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आती है, और ज़्यादा भाई टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं ट्रेन से ज़्यादा नीचे उतर नहीं रहा हूँ, क्योंकि
गलती से भी अगर ध्यान हटाना तो ट्रेन निकल जाएगी। बाकी इसका स्टेशन कोड है VAPI, ये भी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। और रीजन आपका इसका अगेन मुंबई है, ठीक है, काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है। बाजू वाले प्लेटफॉर्म पे भी एक ट्रेन है, हमारी भी ट्रेन खड़ी है और यहाँ पे भी भाई एक ट्रेन खड़ी है, तो एक साथ में तीन तीन ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे के सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे भाई ऑक्यूपाइड है। और गर्मी का क्या ही कहना भाई, गर्मी मतलब ना नेक्स्ट लेवल की लग रही है। अगर आप इस टाइम पे मार्च में फिर भी कम है भाई, अप्रैल में और मई में जो गर्मी होगी ना वो नेक्स्ट लेवल की रहेगी। गुजरात में हो गया या फिर राजस्थान में हो गया, आ जाओ। आपी को केमिकल सिटी ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा जो आपका प्लेटफॉर्म जहाँ पे आया था, हाँ जा भाई, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे मैंगो मतलब मैंगो कैपिटल ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से वापी को केमिकल सिटी ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही भाई गुजरात वालों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके शहर को किस नाम से जाना जाता है या फिर पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में जो अलग अलग सिटीज़ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, वहाँ के रहने वाले कमेंट करके बताएं। बाकी भाई ये आपका वापी रेलवे स्टेशन, ये 18वां हॉल्ट है अहमदाबाद से निकलने के बाद में, अहमदाबाद पहला था। और यहाँ पे आप देखो खाना मिल रहा है भाई, क्या बात, ये लग रहा कुछ तो गवर्नमेंट वाले होंगे, आर्मी उर्मी वाले, ऐसा लग रहा था कि वापी रेलवे स्टेशन, ऐसा लग रहा है कि अपनी जो डेस्टिनेशन हमारी है, मेरी बोरीवली है, आज मैं मुंबई सेंट्रल नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका एंड टू एंड फ्रॉम अहमदाबाद टिल मुंबई सेंट्रल है, बट मैं आज के लिए मुंबई सेंट्रल स्किप करूंगा, बहुत थक गया हूं तो बोरीवली से मैं उधर जाऊंगा, ठीक है। ये कहां लेके जाओगे, बाहर? तो बाहर तो गंदगी करोगे, एक जगह की गंदगी साफ करके दूसरी जगह पर गंदा कर रहे हो, कौन बोल रहा है आपको करने के लिए? एक डब्बा लेके आओ यार, डब्बे में डालो कम से कम, बाहर तुमने यहाँ पे डाल के रख दिया, डब्बा रखो तुम, काम बढ़ा रहे हो बिना मतलब, पटरी तो कोई साफ करता रहेगा ना, लेकिन तुमको मैं क्या बोलूँ बताओ। ये देखो पूरा ये कचरा तुमने यहाँ पे डाल दिया, इसको कौन साफ करेगा? ये 1:38 और हमारी ट्रेन पहुँची है उमरगांव रेलवे स्टेशन। भाई बाहर धूप इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सेकेंड थिंग भाई, उमरगांव जो है इसका स्टेशन कोड है UGR उमरगांव रोड, ये भी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंडर में ही आता है। ये भी इसका जो डिवीज़न है सेम मुंबई है। उमरगांव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो प्लेस है बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है, और जितने भी टूरिस्ट हैं अक्रॉस दी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र गुजरात सारे के सारे लोग, नियरिंग स्टेट जितने भी हैं सब लोग यहाँ पे यहाँ के बीचेस एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ पे भाई 3 प्लेटफॉर्म है और जो हमारी ट्रेन रुकी है ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही रुकी है, और यहाँ पे जो टोटल डे के टाइम पे 27 ऐसी ट्रेनें हैं जो यहाँ से क्रॉस करती हैं मतलब, और एक ऐसी ट्रेन है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और वही एक ऐसी ट्रेन है जो यहाँ पे आके अगेन टर्मिनेट होती है। आप शायद पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, अगेन वहाँ पे लोग क्रॉस करके जा रहे हैं, ब्रिज होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना कि अगर आप इतना लंबा सफ़र कर सकते हो तो आपको ब्रिज पे चढ़ना चाहिए, अदरवाइज आप क्रॉस करते हो प्रॉब्लम आपको होगी ना, और एक्सीडेंट तो बहुत कॉमन होते हैं भाई, क्योंकि ट्रेन आएगी ना आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रेन कहाँ से आके कहाँ को चली आएगी। उमरगांव के बाद में भाई आपका आएगा बोईसर, बोईसर के बाद में दहानू, उसके बाद में पालघर, बोरीवली, दादर और मुंबई सेंट्रल लास्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, दादर और मुंबई सेंट्रल हम कवर नहीं करेंगे टिल बोरीवली आई एम देयर। उमरगांव भाई 20वां स्टॉप है ट्रेन का, तो अहमदाबाद से जब ट्रेन चली 352 किलोमीटर चलने के बाद में उमरगांव इसका 20th हॉल्ट है। 2 मिनट का हॉल्ट है, 1:06 पर आने का, 1:08 पर निकल जाने का यहाँ से, लेकिन आज ट्रेन लेट हो गई है और एज यूजुअल थोड़ा लेट हो ही जाता भाई।
अभी घड़ी में बज गया 2 और हमारी गाड़ी जो गुजरात सुपर फास्ट एक्सप्रेस है अभी धानू रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। धानू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे धानू के बारे में बात करूं भाई तो धानू का जो स्टेशन कोड है DRD मतलब धानू, RD मतलब रोड और ये भी अगेन वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। इसका जो डिवीज़न है मुंबई है। धानू भाई काफ़ी फेमस है यहाँ की चीकू की खेती के लिए, यहाँ के जो बीचेस है काफ़ी फेमस है और लंबे लंबे बीच है यहाँ पे, शायद 16-17 किलोमीटर का बीच है। तो कभी मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ बट यहाँ पे आने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ पे लक्ष्मी माता का टेंपल है, 2 टेंपल है लक्ष्मी माता का टेंपल, काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। मेरा भी प्लान था बट ये काफ़ी घर से दूर है भाई, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाया हाल फिलहाल के लिए, बट ज़रूर यहाँ पे भाई प्लान करके आऊँगा। बाकी यह आपका 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जिसमें हमारी जो गाड़ी आई है 2 नंबर पे आई है। धानू रेलवे स्टेशन से लगभग डेली बेसिस पे भाई 50 ट्रेनें हैं जो पास होती हैं और ओके आ जाओ यही रहता है 2 मिनट के हॉल्ट में ना यही होता है, इसलिए मैं नीचे नहीं जाता हूँ क्योंकि ट्रेन कब निकल जाएगी ना बात करते करते पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल टाइम आने का है 1:28 पे आने का है और 1:30 यहाँ से 2 मिनट बाद ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। आज ये ट्रेन आधे घंटे लेट है और जैसा कि मैंने कहा आपसे ना कि 50 ट्रेनें इस रूट से पास होती हैं, 2 ट्रेन ऐसी है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। सुबह अहमदाबाद से चलने के बाद में ये आपका धानू 21वां स्टॉप था, 21वां हॉल्ट था और हम लगभग 373 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं। धानू के बाद में आपका बोईसर आएगा, बोईसर के बाद में साथ पालघर आएगा, तो बोरीवली आएगा, अगेन दादर आएगा और मुंबई सेंट्रल। दो बज के 22 मिनट पे हमारी ट्रेन पहुंची है बोईसर रेलवे स्टेशन। आइडियली भाई इसका टाइम यहाँ पे पहुंचने का है 1:46 पे, 2 मिनट के हॉल्ट के बाद में अगेन यहाँ से ट्रेन निकल जाती है तो 2 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन आज लगभग 40 मिनट लेट हो गई है। आप देखो 1:45 पे यहाँ पे इसका टाइमिंग है भाई, 1:45 और पहुँच कितने बजे रही है 2:22 पे, खाली यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और बोईसर के बारे में अगेन भाई मैं बात करूं तो इसका जो स्टेशन कोड है वो आपका BOR, अगेन ये आपका जो है वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है और डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो भाई ये आपका मुंबई है। और बोईसर के बारे में मैं कुछ चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जैसे यहां पे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो MIDC है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वो बोईसर में स्थित है। उसके बाद में भाई जो सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे तारापुर हम लोग बोलते हैं TAPS, तो तारापुर एटॉमिक इस तरीके से TAPS है, वो भी आपका बोईसर में ही सिचुएटेड है। और बोईसर में टोटल शायद 3 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे जिसमें से हमारी गाड़ी 3 नंबर पे आई हुई है और यहाँ पे डेली बेसिस पे 66 ट्रेन है जो यहाँ पे रुकती है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और एक ही ट्रेन यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है, ठीक है। बस 2 मिनट का हॉल्ट है तो मैं ज़्यादा मुझे लगता बाहर रुकना उचित नहीं है, अदरवाइज़ क्या होगा ना मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग उतरते हैं और वापस वो चढ़ेंगे ना तो फिर मेरा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट हॉल्ट आएगा पालघर, पालघर के बाद में बोरीवली। यहाँ तक लोकल है क्या? नहीं लोकल यहाँ पे भी नहीं है। पालघर तक है लोकल? नहीं गया लोकल इसके आगे से बोरीवली है, पालघर तक है कम है लोकल। कितना नंबर प्लेटफॉर्म है? 2:33 और हमारी ट्रेन अभी पालघर रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। आइडियली इसका टाइम यहाँ पे पहुंचने का भाई 1:57 पे है दोपहर में और 1:59 पे यहाँ से निकल जाती है 2 मिनट के हॉल्ट पर, मेरी पूरी बाल की ना बैंड बज गई, ठीक है। बाकी भाई पालघर काफ़ी PLG इसका स्टेशन कोड है PLG, अगेन भाई ये आपका जो वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है और जो डिवीज़न की मैं बात करूँ तो मुंबई में है। काफ़ी सारे फेमस बीचेस के लिए पालघर जाना जाता है, जैसे केलवा बीच हो गया, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए जाना जाता है, काफ़ी सारे यहाँ पे जो मंदिर वगैरह है उसके लिए जाना जाता है। कभी मैं पालघर विजिट नहीं कर पाया बट कोशिश करूंगा कि अभी घूमने के लिए निकला ही हूँ, जब मेरा कारवां निकला ही है तो धीरे धीरे भाई पालघर को भी ऐसे एक्सप्लोर कर जाए। रेल लीर नहीं है, रखते नहीं भाई पानी तो अभी तो वही है मेरे भाई, वो 15 का मिलता है 20। ओके थैंक यू ब्रदर। तो भाई देखो अगेन रेल नीर के लिए निकला था, रेल नीर मिला नहीं, लोकल वाटर मिला, लेकिन कम से कम मेरा गला जो सूख रहा है उससे मेरा काम बन जाएगा फिलहाल के लिए। और लकीली भाई अभी 15 का ही मिला है, ठीक है। रो कोको जो भी है, फिलहाल तो प्यास लगी तो पीना है। बाकी जो मेरा है जो थर्मस था ना यहाँ पे, ये पानी इसमें था तो ज़रूर लेकिन पूरा गर्म हो गया है।
बज गया 3:17 और हमारी ट्रेन गुजरात सुपर फास्ट एक्सप्रेस करेंटली बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। आइडियली यहां पे इसका पहुंचने टाइम 2:48 का होता भाई, लेकिन आज ये ट्रेन 20-22 से आप जो भी काउंट कर लो उतने मिनट की देरी से फिलहाल के लिए बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। आइडियली 7 प्लेटफॉर्म पर जाती है, बट आज ये 8 पर आई है और ये आपका 10 का प्लेटफॉर्म है। बोरीवली में टोटल 10 ही प्लेटफॉर्म भाई। अगेन इसका स्टेशन कोड है BVI, वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। और अगेन इसका जो डिवीज़न है वो आपका मुंबई डिवीज़न है। बाकी बोरीवली काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ पे भाई संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो मैं वहाँ पे गया हुआ था, अच्छे से एक्सप्लोर करा हुआ था, उसकी वीडियो चैनल पे जल्दी ही आ जाएगी। और यहाँ से भाई मैं व्लॉग एंड करता हूँ। 150+ ट्रेन यहाँ से मतलब रुकती है, यहाँ पे हॉल्ट लेती है, और 3 ऐसी ट्रेन है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और वही 3 ऐसी ट्रेन है जो यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा भाई प्लीज़ कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बहुत सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जाने से पहले आप मेरा वीडियो भारत के किस गांव से, किस शहर से, किस क्षेत्र से या किस स्टेट से वीडियो देख रहे हो प्लीज़ भाई कमेंट करके बताना। जानने का पर्पज़ इतना सा है कि मेरी YouTube फैमिली कहां से हमसे जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।